मैंने तो खुल के कहा कि आपके विधायकों ने पैर भी दिया है, पैर भी किया है, ये नियम के तहत नहीं आता है। मैं आज भी माइक पर बोल रहा हूँ कि ये कानून के तहत सरकार चलती है। तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री खुद मैंने कहा कि पैर भी सुनना है, देखना है, करना है। तो अब विधायक जब दबाव देते हैं तो हर विधायक की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे अनुशंसा करते हैं, कोई जूनियर है, कोई टाइम पूरा नहीं हुआ है, कोई उस योग्य व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण उस विधायक को लगता है कि मंत्री हमारी बात को नहीं सुना और जाके अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत करता है। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीते दिनों भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर सीओ का तबादला किया गया था, जिसमें धांधली को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। केला के पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी जो खास उनके नजदीकी हैं, जो पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी अपने मन मुताबिक चाहते हैं कि सीओ मिले, विधायक चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक मिले। सत्ता जब परिवर्तन होता है, सभी विधायक चाहते हैं कि मेरे अनुसार जिलाधिकारी की पोस्टिंग हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में गड़बड़ियाँ होती हैं, और निश्चित तौर पर इसमें जो गड़बड़ी हमने देखा था, पूरे को अध्ययन मैंने किया था, इसमें सबसे बड़ी गलती थी कि जो जूनियर आरओ था उसको अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कराया गया, ब्लंडर मिस्टेक था। किसी का समय टर्म नहीं पूरा था, उनकी बदली की गई थी, किसी की मजबूरियां रही होगी, पैर भी रहा होगा, उसके लिए कारण किया गया था। लेकिन बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग के पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं। इसके पीछे उनके शीर्ष अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में अपनी पूंजी को लगाते हैं और वहाँ अंचलाधिकारी को पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मंत्री को ये दिमाग में होता है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को भी मौका दूं, अपने विधायकों को मौका दूं, जिस कारण से गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको लगता है कि एक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं खुलेआम चुनौती के साथ कहता हूँ कि आपके अन्य विभाग भी हैं, चाहे आपके कोटे के मंत्री हों, चाहे महागठबंधन के हों, चाहे कांग्रेस कोटे के हों। आप सिंपल के तौर पर आप हर गठबंधन के साथी के जितने विभाग हैं उसमें से जो बड़े बड़े विभाग हैं उनको आप समीक्षा करें। सारे विभागों में समीक्षा करने के बाद तब निर्णय लेना चाहिए, लेकिन आप कंटिन्यू यही विभाग जब जदयू कोटे में था आपने एक बार भी कैंसिल करने का काम नहीं किया। आज आपके एक भी जदयू कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका कोई भी समीक्षा नहीं होता है, और गठबंधन में हम रहें या आरजेडी रहे या कोई रहे, उसका गठबंधन का समीक्षा होकर के उसकी फर्जियत की जाती है जनताओं के बीच में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे भ्रष्टाचारी इनके अधिकारियों को मानता हूँ, इनके पदाधिकारियों को मानता हूँ, क्योंकि इनके अधिकारी आज भी जो आज हत्या हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो, पटना में हो, भागलपुर में हो, पूर्णिया में हो, जो बड़े बड़े गया में हो, तमाम जगह सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को सरकारी अधिकारी कब्जा कर रहे हैं, गलत तरीके से कागज़ बनवा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर जाँच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप तमाम शहर में ऐसे 12 कम से कम 5-6 ऐसे कमिश्नरी हैं, जैसे गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ऐसे जगहों पर आप जानकारी लें, जो पूर्व में वहाँ डीएम रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा, ISIPS रहे उन्होंने खरीदा, कोई राजनेता इन्वॉल्व है, तमाम तरह से ऐसे लोग, बड़े बड़े गुर्गे जो हैं पर्दा के पीछे हैं, तमाम छोटे छोटे लोग पर्दा के आगे हैं, और आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जो हो रहा है इसका बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसकी समीक्षा करें और अपने अधिकारी जो आपके बगल में बैठते हैं, आप जिसको सेंटिंग पोस्ट पर रखते हैं, आप अपने काम के लिए रखते हैं, उन पर भी आँच आना चाहिए और उनका भी जाँच होना चाहिए। नेता ही भ्रष्ट नहीं, आपके अधिकारी भी भ्रष्ट। मैंने तो खुल के कहा कि आपके विधायकों ने पैर भी दिया है, पैर भी किया है, ये नियम के तहत नहीं आता है। मैं आज भी माइक पर बोल रहा हूँ कि ये कानून के तहत सरकार चलती है। तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री खुद मैंने कहा कि पैर भी सुनना है, देखना है, करना है। तो अब विधायक जब दबाव देते हैं तो हर विधायक की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे अनुशंसा करते हैं, कोई जूनियर है, कोई टाइम पूरा नहीं हुआ है, कोई उस योग्य व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण उस विधायक को लगता है कि मंत्री हमारी बात को नहीं सुना और जाके अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत करता है और माननीय मुख्यमंत्री से भी शिकायत करता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्राइवेट एजेंसी से उसका जांच कराते हैं कि क्या मामला है, तो प्राइवेट एजेंसी भी अपना उल्लू सीधा करता है, क्योंकि वो भी जमीन माफिया का काम करता है, वो भी 4 सीओ का पोस्टिंग कराता है, नहीं होता है तो कहता है कि पोस्टिंग खराब हो गया। तो ये आप सिर्फ
और राजस्व विभाग में ही खराब हो रहा है। मेरा कहना कि सारे विभागों में संलिप्तता है, आप सारे विभागों को समीक्षा करें, सबों को कैंसिल करें। इस खेल से जो है राजद और जेडीयू के रिश्ते में पर जो है असर पड़ेगा। देखिए ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, कभी भी इन लोगों का निकाह टूट सकता है, कभी भी तलाक हो सकता है। तीन तलाक के तैसे माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त कर दिए हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनके तीन तलाक कभी भी जदयू कह सकता है और आरजेडी जदयू को कह सकता है। ये बड़ी बात नहीं, चिंता मत करिए। जब जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो मुख्यमंत्री जी को भागने का मन जब होता है अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ अगल बगल समीक्षा करने के लिए निकल जाते हैं, टाइम पास करते हैं, तो इंतजार में है कि तेजस्वी कब जेल जाए कि हम यहाँ से भागें। लगातार जो है प्रधानमंत्री बनने का तो बैठाए, इन्हीं को कुछ नहीं कुछ बनाया नहीं दिया, प्रेस से भागा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को प्रयास करना चाहिए और हर आदमी को जनता मौका देती है, जनता ने इनको भी अच्छा मौका दिया है, अब इनको संन्यास लेना चाहिए और भोले बाबा के शरण में जाना चाहिए, ठीक ना, मरैया वरैया बना करके आश्रम में जाना चाहिए, अब जाति बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, जनता इनको सबक सिखा। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामचुरता, उन्होंने कहा कि जब सत्ता परिवर्तन होता है, विधायक और मंत्री बदलते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे हिसाब के कर्मचारी आए, जिसको लेकर एक ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य चलता है, जिनकी कार्य अवधि पूरा नहीं होती है उनका भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वहीं उन्होंने कहा कि राजद और जदयू का जो गठबंधन है वो कभी भी टूट सकता है, इनका निकाह कभी भी टूट सकता है। बाकी कई मुद्दों पर तीखे हमला करते दिखे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।